हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स का पेपर ए पेपर पार्ट वन फर्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे ए फेज का। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 सेज Three identical blocks are suspended by two identical springs. Springs are also identical. One below the other as shown in the figure. So three identical blocks. Let's mass of each block is m. Then just after cut. If the thread that supports block one is cut, then just after the cut, अगर हम इस थ्रेड को कट कर दें तो हमें पता है जस्ट आफ्टर कट टेंशन तो जीरो हो जाती है, बट स्प्रिंग में लेजीनेस होता है, स्प्रिंग एकदम से अपना फोर्स जीरो नहीं करता है। सो सबसे पहले हम इसकी एफवीडी बनाते हैं। Mg नीचे लग रहा है, सो यहां पर स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा FSP इक्वल टू Mg, उतना स्प्रिंग फोर्स पूरी स्प्रिंग में लगेगा Mg के इक्वल, और एक इसका मास Mg एक और लग रहा होगा, तो यहां पर स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा Mg और Mg सब अभी बैलेंस है, रेस्ट पर है, तो 2Mg नीचे लग रहा है तो 2Mg ऊपर लग रहा होगा, और इतना स्प्रिंग फोर्स इस पूरी स्प्रिंग में हर जगह लग रहा होगा, तो FSP स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू 2Mg प्लस ये Mg इसका एक और नीचे। सो यहाँ पर टेंशन अभी टेंशन इज इक्वल टू है 3Mg और सब इक्विलिब्रियम में। जैसे ही हम इसको कट करेंगे तो ऑप्शंस में क्या गिवन है, ऑप्शंस में गिवन है द सेकंड ब्लॉक हैज जीरो एक्सेलरेशन, द फर्स्ट ब्लॉक हैज जीरो एक्सेलरेशन। सो हमें बताना है कि किसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। सो एक एक करके ब्लॉक की एफवीडी बनाओ। फर्स्ट ब्लॉक की अगर मैं एफवीडी बनाता हूँ, ये फर्स्ट ब्लॉक, ये सेकंड ब्लॉक, तो इस पर टेंशन तो जीरो हो जाएगा, ऊपर जैसे कट करेंगे टेंशन जीरो हो जाएगा। अब नीचे नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पे, ये जीरो नहीं होगा, वेट तो जीरो नहीं होगा और स्प्रिंग फोर्स भी जीरो नहीं होगा, तो नीचे लग रहा है 3Mg, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो हो ही नहीं सकता। 3Mg बाई m 3g आएगा इसका एक्सेलरेशन, सो इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। देन सेकंड ब्लॉक का मास है m, जैसे ही कट करेंगे ऊपर वाला फोर्स 2mg, नीचे वाला फोर्स नीचे भी 2mg, नेट फोर्स इक्वल टू एक्सेलरेशन जीरो आएगा। सो एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड ब्लॉक इज जीरो। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज पुली ब्लॉक सिस्टम गिवन है, सबका वेट गिवन है, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग बी एंड सी। ओके, ये बी है, ये सी है, ये ए है। इसका मास है 6 kg, इसका मास है 2 kg, इसका मास है 1 kg। हमें टेंशन बताना है बी और सी के बीच में। सो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकालेंगे। सो इस तरफ टोटल मास है 3 kg, इस तरफ टोटल मास है 6 kg, तो नेट फोर्स इस तरफ है, तो ये ब्लॉक नीचे जाएगा और ये दोनों ऊपर जाएंगे। सो एक्सेलरेशन कितना आएगा, 60 इसकी वजह से प्लस में, ये दोनों इनका वजह से माइनस में, कितना 2 + 1 3 kg मीन्स 30 N अपौन टोटल मास 6 + 2 8 + 1 9, तो ये आएगा 60 - 30 30/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3g/9। ओके, देन अब यहां पर हमें टेंशन निकालनी इस ब्लॉक पर, तो इस ब्लॉक की अगर मैं एफवीडी देखूं तो टेंशन ऊपर लग रहा है, ये ऊपर जा रहा है विद दिस एक्सेलरेशन, इस पे 10 N नीचे लग रहा है, तो इसकी एफवीडी बना के अगर मैं लिखूं तो लिखूंगा T - 10 इज इक्वल टू 1 × A। सो 10 को मैं जी लिख सकता हूँ, सो टी इज इक्वल टू हो जाएगा g + 3g/9। सो आंसर आएगा 4 LCM
आंसर आएगा 7g/9। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई शायद, टी माइनस जी, सो फोर टी माइनस एक्स, एक्सलेशन आया 3g/9, 60 - 30/9, तो 60 - 30, इसको 30/9 ही रख देते हैं। सो अब इसकी एफबीडी अगर मैं बनाऊंगा तो टी माइनस 10 इज इक्वल टू 1 × 30/9, सो टी इज इक्वल टू आ जाएगा 10 + 30/9, सो 9, 1 × 9, 90 + 30, इट मीन्स 90 + 30 = 120/9, 3 × 3 × 3 = 40, सो इट इज इक्वल टू 40/3 N, मीन्स 4g/3 N, दिस इज करेक्ट आंसर। ओके लिख लो, देन क्वेश्चन नंबर 21, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द रोड ऑफ मास एम एज शोन इन फिगर। इस रोड का हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, इस पर ही रोड ऐसे सपोर्टेड रखी हुई है। इस रोड पर एक तो ये स्फीयर नॉर्मल लगा रहा है, एक इसका वेट, तो अगर मैं देखूं इस पर तो एक नॉर्मल तो ये स्फीयर लगा रहा है ऐसे, एक इसका वेट mg, और एक ग्राउंड पर यहाँ पर एक नॉर्मल ग्राउंड लगा रहा होगा n डैश, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन आएगा फर्स्ट, ये स्फीयर नॉर्मल स्फीयर ने लगाया, ये mg इसका वेट और ये ग्राउंड ने लगाया, तो ऑप्शन आएगा फर्स्ट। Then question number 22. The velocity of end A of rigid rod is between two smooth vertical walls moves with velocity 4 m/s. ये एक रोड है, ये एंगल 37 degree है, ये नीचे जा रहा है 4 m/s, ये एंगल होगा 53 degree, तो हमें बताना है द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, तो हमें इसकी वेलोसिटी बतानी है वी बी। तो हमें पता है कि ये रिजिड रोड है, तो इसके दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 0 होगा along the road। तो इसका मतलब क्या कर सकता हूं मैं, इस तरफ अगर ये एंगल 37 डिग्री तो ये एंगल भी 37 डिग्री होगा, तो along the road दोनों पॉइंट की वेलोसिटी के कंपोनेंट इक्वल होंगे, तो क्या लिख सकता हूं मैं, 4 cos 53 degree इज इक्वल टू vb cos 37 degree, सो 4 × cos 53 degree इज 3/5 is equal to vb × cos 37 is 4/5, 5 cancel, 4 cancel, so vb equal to 3 m/s. This is the answer. Along the road हमें component equal करने होते हैं ऐसे question में, क्योंकि velocity of approach और velocity of separation 0 होगा। Then next question. क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 इज थ्री ब्लॉक्स ए बी एंड सी ऑफ मासेस 1 kg, ऑल द थ्री 1 kg, 6 kg एंड 3 kg, सो वन ब्लॉक इज 1 kg, अदर ब्लॉक इज 6 kg एंड नेक्स्ट ब्लॉक इज 3 kg,
placed on a smooth plane surface, a force of 20 newton is applied. A force of 20 newton is applied, as shown. Then the force of contact between B and C. So we have to calculate the normal force between B and C. A, B, C. So first calculate the acceleration. Acceleration is net force upon net mass 10. So acceleration is 2 meter per second square. Now we can calculate normal between any of the objects. So to calculate the normal between B and C, draw the FBD of 3 kg. So 3 kg is moving with some acceleration 2 meter per second square due to this normal force N. So N is equal to mass into acceleration. So 6 newton. Normal is equal to 6 newton. The next question, question number 24. Question number 24 is, this is one pulley which is moving upward with 20 meter per second. One side of this pulley is fixed and other pulley is hanging from the other side. So this pulley will also go upward. This pulley is also having two blocks hanging on each side, A and B. Speed of one of the block is given 80 meter per second. We have to calculate the speed of block B. Speed of block B. Okay. So for movable pulley, we know the formula. For movable pulley, VP is equal to VA plus VB by 2. Okay. So let's say this is the pulley number 1. This is the pulley number 2. So for this pulley, if we apply this formula, then I will write VP1. VP1 is 20 is equal to VA. VA is 0 plus VB. VB is pulley 2. So VP2. Let's say this pulley is moving with VP2. So VP2 by 2. So VP2 will get 40 meter per second. Double of this pulley because one side is fixed. So double of length is required from this side. So speed is also double. Now for pulley 2, we'll apply the same formula. VP2 is equal to VA plus VB by 2. VP2 is 40. VA is 80 plus VB by 2. 2 into 2, 40. So VB is equal to VB plus 80 is equal to 80. So VB equal to 0. So the velocity of B block is 0. Okay, write down. Then next question, question number 25. One block is this M mass. This is B block connecting with this pulley. This is mass 3m. Okay. So we have to calculate the acceleration of each block and then we will match with the option. So first before doing this question, first write the tension in each string. So this is the longest string. So agar isme tension T hai. इसमें टेंशन टी है, इसमें टी है, ये टी, ऐसे अगर मैं टी ड्रॉ करूंगा तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगी क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है, बट यहां पर टी और टी है तो यहां पर हो जाएगा 2t. पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगी, टी टी टी, इस स्ट्रिंग में इसकी डबल हो जाएगी. ओके, देन इसका मास है 3 mg नीचे,
ओके सो इस तरफ हैवी मास है तो हम मान लेते हैं कि ये इस तरफ नीचे ये ए ब्लॉक है, हम मान लेते हैं कि ये एक्सेलेरेशन ए से नीचे जा रहा है और ये मान लेते हैं कि एक्सेलेरेशन बी से ये इधर आ रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे इस तरह से। तो सबसे पहले तो हम एक्सेलेरेशन ए और बी में रिलेशन निकालेंगे। सो ये सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग में हम इफेक्टिव लेंथ मेथड लगाएंगे। सो ये हमारी सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है, इसमें मैं पॉइंट इन सबके पॉइंट के नंबर दे दूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिस इज बी ब्लॉक और ये ए ब्लॉक से कनेक्टेड है। ओके अब ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है तो हमें पता है ये वाला पॉइंट इसके साथ जा रहा है एक्सेलेरेशन ऑफ दिस इज बी ब्लॉक दिस इज ए ब्लॉक। सो यहां से हम शुरू करते हैं तो मैं क्या लिख सकता हूँ ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर प्लस ए फाइव प्लस ए सिक्स प्लस ए सेवन प्लस ए एट इज इक्वल टू जीरो। दिस मेथड इज कॉल्ड एज इफेक्टिव लेंथ मेथड। सो वन का एक्सेलेरेशन है ए बी बट ये लेंथ को कम कर रहा है तो लेंथ को कम कर रहा है तो हम माइनस में लिखेंगे ए बी। टू और थ्री तो रेस्ट पर है तो टू और थ्री तो रेस्ट पर है तो टू का जीरो थ्री का जीरो। फोर और फाइव बी के ए के साथ नीचे जा रहे हैं अभी फोर और फाइव इस लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं और एक्सेलेरेशन ए के साथ नीचे जा रहे हैं तो इंक्रीज कर रहे हैं तो प्लस में लिखेंगे फोर का एक्सेलेरेशन। इन दोनों पॉइंट का एक्सेलेरेशन इतना ही होगा जितना इस ब्लॉक का होगा। ये ब्लॉक एक्सेलेरेशन ऑफ ए से नीचे जा रहा है तो ये दोनों भी इसी के साथ क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये भी ए से नीचे जा रहे हैं। प्लस क्यों लिख रहे हैं क्योंकि लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो फोर पॉइंट का एक्सेलेरेशन होगा एक्सेलेरेशन ऑफ प्लस ए। फिफ्थ का भी होगा एक्सेलेरेशन ऑफ ए प्लस सिक्स और सेवन। ये दोनों पॉइंट तो फिक्स है यहाँ पर। सो सिक्स का होगा जीरो, सेवन्थ का भी होगा जीरो, एट्थ भी इस ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है तो ये भी इसके साथ नीचे जा रहा है मतलब लेंथ को इंक्रीज कर रहा है इसलिए प्लस लिख रहा हूँ एक्सेलेरेशन ऑफ ए इक्वल टू जीरो। तो यहां से मुझे मिल गया एक्सेलेरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ ए। ओके ये आप नोट कर लीजिए, मैं इसको हटा देता हूँ पूरा रिलेशन। मुझे बस ये पता लगाना था इनमें रिलेशन क्या है। सो एक्सेलेरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू आ गया थ्री टाइम्स ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ ए। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूँ। अब मैं अलग अलग ब्लॉक के अलग अलग एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करके इसमें पुट करूंगा तो इस ब्लॉक की एफबीडी अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पर लिखूंगा टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ बी। तो एक्सेलेरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू आ जाएगा टी बाई एम। इसको मैं इक्वेशन टू बोल देता हूँ। इस ब्लॉक की अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो इसके लिए मैं लिखूंगा थ्री एम जी, ये क्योंकि नीचे जा रहा है तो थ्री एम जी माइनस ऊपर थ्री टी इज इक्वल टू मास थ्री एम इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ ए। थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा सो यहां से एक्सेलेरेशन ऑफ ए आ गया एम जी माइनस टी बाई एम। इसको मैं इक्वेशन दे देता हूँ थ्री। ए की वैल्यू बी की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो मुझे टी की वैल्यू मिल जाएगी और टी की वैल्यू से मैं एक्सेलेरेशन ऑफ ए और बी निकाल लूंगा। तो बी की वैल्यू है टी बाई एम इंटू थ्री टाइम्स ऑफ एम जी माइनस टी बाई एम। एम से एम कैंसिल सो टी इज इक्वल टू आया थ्री एम जी माइनस थ्री टी। तो टी फोर टी इज इक्वल टू आ गया थ्री एम जी तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा थ्री एम जी बाई फोर। ये टेंशन आ गया। अब मुझे एक्सेलेरेशन ऑफ ए निकालना है तो ये पहले बी निकाल लेता हूँ। एक्सेलेरेशन ऑफ बी निकालना है तो टी बाई एम तो इसमें m का डिवाइड करूंगा तो 3g by 4 आएगा। और अगर acceleration of a निकालना है तो वो है acceleration of b by 3 तो acceleration of a आएगा g by 4। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। वन इज 7.5 3g by 4 30 by 4 7.5 एंड वन इज 2.5। ओके सो एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास 3m इज 7.5। ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर
26, इसमें इंक डालो। A sphere of mass m is placed between two plane surface. ये plane surface है 37 degree. This is also 37 degree. This is sphere. इसका मास है m, तो mg नीचे लग रहा होगा। अब हमें बताना है the normal force applied by the sphere on each wall. तो each wall पे कितना normal लग रहा है ये हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए FBD बनाते हैं, जितना wall sphere पे normal लगा रही होगी उतना ही sphere normal पे wall पे normal लगाएगा। So ये normal इसके perpendicular along the center लगता है, तो ये normal ऐसे लग रहा है, ये normal ऐसे लग रहा है, तो यही नॉर्मल आगे जाके इस डायरेक्शन में और ये नॉर्मल इस डायरेक्शन में ऐसे लग रहा होगा। तो अगर मैं इस पॉइंट की एफवीडी बनाऊं तो ये नॉर्मल ऐसे, ये नॉर्मल ऐसे और ये एमजी ऐसे। अब मुझे ये एंगल निकालने कंपोनेंट लेने के लिए, तो इधर देखो ये एंगल गिवन है। सो हमें पता है अगर ये 37 ये 53 तो ये 37, वैसे ये 37 तो ये 53 तो ये 37, अब ये 37 ये 37 तो ये भी 37 तो ये भी 37 तो ये भी 37 ये भी 37। सो ये एंगल है 37 डिग्री, ये एंगल है 37 डिग्री। सो n के जो दो कंपोनेंट ऊपर वाले आएंगे वो आएंगे 2n cos 37, नीचे आएगा mg, इधर वाले और इधर वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, n sin 37 n sin 37। सो यहां से 2n cos 37, cos 37 होता है 4/5 is equal to mg, तो n is equal to हो जाएगा 5 mg/8, इतना नॉर्मल है इनके बीच में। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। इन द शोन मास पुली सिस्टम पुली एंड स्प्रिंग आर मासलेस, द वन एंड ऑफ द स्प्रिंग इज पुल्ड बाय 2 mg, द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी। ये 2 mg फोर्स से फोर्स लग रहा है, इसका ब्लॉक m है। सो हमें इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है। अब इस स्ट्रिंग में हम 2 mg फोर्स से पुल कर रहे हैं, तो पूरे स्ट्रिंग में फोर्स सेम रहता है, टेंशन सेम रहती है, तो यहाँ पर भी 2 mg आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 mg आ जाएगा फोर्स, हर जगह 2 mg रहेगा फोर्स। सो यहाँ पर 2 mg, यहाँ पर 2 mg, तो यहाँ पर 2 mg, यहाँ पर भी 2 mg, क्योंकि पुली भी मासलेस। ओके, नीचे फोर्स mg इसका, तो ये ऊपर ही जाएगा 2 mg plus 2 mg, ये हो जाएगा 4 mg, ये भी हो जाएगा 4 mg। सो ये ऊपर ही जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन आएगा 4 mg - mg/m, mm कैंसिल, तो आंसर आएगा 3g मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिख लीजिए, then next question, question number 28। इस स्ट्रिंग को हम इधर से v की स्पीड से खींच रहे हैं,
और इधर ये ब्लॉक से कनेक्टेड है, ये एंगल है थीटा, हमें इसकी स्पीड पूछी है। ओके, इसकी स्पीड पूछी हमें। सो हमें पता है ब्लॉक तो इधर ही जाएगा, मान लो ये बी बी से जाएगा। सो हमें पता है ये लेंथ इनएक्सटेंसिबल है, तो इसकी लेंथ हमेशा सेम ही रहेगी, मीन्स अलोंग द लेंथ इस पॉइंट की वेलोसिटी और इस पॉइंट की वेलोसिटी सेम रहेगी। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी तो वी, अलोंग द लेंथ स्ट्रिंग की वेलोसिटी वी है। तो मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो वीबी का ये वाला कंपोनेंट अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग सेम होना चाहिए। सो क्या लिख सकता हूं मैं, वीबी कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू वी, कोस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो वीबी इज इक्वल टू आएगा वी साइन थीटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 एफवीडी बना के सोल्व हो जाएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, टू ब्लॉक्स एंड वी ऑफ मास 4 केजी एंड 8 केजी। ठीक है, बना लेते हैं दो ब्लॉक 4 केजी एंड 8 केजी आर प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ सरफेस ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन ऑन ए, find the contact force between A and B. So first calculate the acceleration. So acceleration will be 12 by 12 force upon mass 1 meter per second square. Now make the FVD of 8 kg. So 8 kg is moving due to this normal force with the acceleration 1 meter per second square. So N is equal to 8 into acceleration is 1. Normal is equal to 8 Newton. Okay. Then next question, question number 30. Find the velocity of A with respect to pulley P. Velocity of A with respect to pulley बताना है। तो पहले with respect to ground निकालेंगे, फिर with respect to pulley भी आ जाएगा। So ये pulley जो है, ये 10 meter per second से ऊपर जा रही है। ये block A है, and ये block B है। B है 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है ब्लॉक, हमें बताना है इस पुली की वेलोसिटी, इस ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पुली, मतलब वी हमें बताना है VAP वी हैव टू फाइंड आउट। सो हमें पता है VP इज इक्वल टू होगा VA प्लस VB बाय 2, तो VP है 10, VA प्लस VB है 2 बाय 2, सो 10 इंटू 2 20, तो VA यहां से मिला मुझे 18 मीटर पर सेकंड, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो VAP होगा वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब वेलोसिटी ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो 18 माइनस पुली इज मूविंग विद 10, सो VAP इज 8 मीटर पर सेकंड। सो दिस ब्लॉक इज मूविंग विद 8 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू पुली। ओके, then question number 31, consider the system as shown in the figure, the pulley and string are light and all surfaces are frictionless, the tension in the string, sabse pehle figure bana lete hain, ek block ye hai, yahan se ek pulley se connected hai, ये 1 केजी, ये भी 1 केजी। अब पूरा का पूरा सिस्टम को इस स्ट्रिंग के थ्रू ये कनेक्टेड है, तो ये नीचे जाएगा तो ये इधर जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेट फोर्स 10 न्यूटन, 10 अपॉन टोटल मास, कौन कौन मूव कर रहा है 1 केजी और ये केजी, दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो 1 प्लस 1 2, सो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आएगा। दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है एक ही स्ट्रिंग से, और दोनों मूव करेंगे तो सिस्टम में दोनों का मास ऐड होगा, so 10 by 2 5 meter per second square acceleration aa gaya। then question number tension bhi pucha hai। okay, so tension in the string,
सो मान लेते हैं ये स्ट्रिंग में टेंशन टी है हर जगह. सो इसके एफबीडी अगर मैं बनाऊं तो मैं लिखूंगा ये नीचे जा रहा है विद एक्सेलेरेशन 5. सो 10 माइनस टी इज इक्वल टू 1 इंटू 5. सो टी इज इक्वल टू 5 न्यूटन. ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 32 इज टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड लेवल विद सेम एंगल ऑफ सेम एंगल प्रोजेक्शन 45 डिग्री विद 30√2 एंड 10√2. एक को भेजा है 30√2 से 45 डिग्री पर और एक को भेजा है 10√2 से थ्रो किया 45 डिग्री पर. हमें इनका टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो निकालना है. वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट T1 बाय T2. इसका टाइम ऑफ फ्लाइट मान लेते हैं T1 है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट मान लेते हैं T2. तो हमें पता है टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल कंपोनेंट पर डिपेंड करता है 2UI/G. सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्टिकल कंपोनेंट. सो इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा 30, इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा 10. तो T1 बाय T2 में अगर लिखूंगा तो UI1 बाय UI2 तो 30 बाय 10 कर देंगे तो आंसर आएगा 3. ओके देन क्वेश्चन नंबर 33. क्वेश्चन नंबर 33, स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एंड फॉल बैक ऑन द ग्राउंड आफ्टर 4 सेकंड. The height of the stone 1 second after the projection, the height of the stone after the projection will be 5x meter. Find x. So a stone is projected from ground and fall back on the ground after 4 seconds. मान लो इस एंगल पर प्रोजेक्ट किया तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है 4 सेकंड. सो हमें पता है टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2UY/G. वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज UI. सपोज इट्स वर्टिकल कंपोनेंट इज UI एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज UX. सो इट इज इक्वल टू 4. तो 2UY इज इक्वल टू 4G मींस 40. देन UY इज इक्वल टू 20 मीटर. वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड. देन The height of the stone 1 second after the projection will be 5x meter. After 1 second, because of this component, it will move upward, and because of this component, it will move in the positive x direction. So let's say at 1 second, this is the height. So we have to calculate this height at t equal to 1 second. So we know that height is depend upon vertical component only. So apply second equation of motion, h is equal to ut minus half gt square in vertical direction, so uit. So h is equal to ui is 20 into 1 minus 5 into 1 into 1. So h is equal to 15 meter. So it is equal to 5x as given in question. So x is equal to 3. Then question number 34. Question number 34 is, a battalion of soldiers is ordered to swim across a river of 500 width. They have to swim across this river of width 500 meter. At what minimum rate should they swim perpendicular to river flow? They started from this point perpendicular to the river flow. To avoid being washed away by the waterfall 300 meter. Suppose here at 300 meter there is a waterfall.
सो हमें बताना है कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी से यहाँ पर मूव करें विद रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर टू द रिवर, ताकि ये वाटरफॉल तक आने से पहले इधर क्रॉस हो जाए. ठीक है. सो द स्पीड ऑफ करंट इज स्पीड ऑफ रिवर इज 3 मीटर पर सेकेंड. वी आर इज 3 मीटर पर सेकेंड. ओके. लेट सपोज द सोल्जर्स आर मूविंग विद वी एम आर स्पीड विद रिस्पेक्ट टू रिवर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो. सो फर्स्ट फाइंड आउट टाइम टू क्रॉस द रिवर. टाइम टू क्रॉस द रिवर इज t इज इक्वल टू डिस्टेंस विड्थ ऑफ रिवर अपॉन स्पीड वी एम आर. सो दिस इज टाइम 500 अपॉन वी. नाउ इन दिस टाइम हाउ मच डिस्टेंस दे विल मूव बिकॉज ऑफ रिवर करंट, बिकॉज रिवर करंट इज मूविंग देम विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स द वाटरफॉल. सो 3 मीटर पर सेकेंड इस तरफ इनकी स्पीड, रिवर की वजह से भी इनको इस तरफ मिलेगी, तो इनकी नेट स्पीड इस तरफ आएगी. ये वाली से तो हम रिवर को क्रॉस कर लेंगे, और ये वाली स्पीड जो रिवर की है इससे इनका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ भी होगा. सो इतने टाइम में हमें मिनिमम 300 मीटर चलना है, 300 मीटर से कम चलना है. सो बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टाइम. टी इज टाइम टू क्रॉस द रिवर. डिस्टेंस मिनिमम है 300. टाइम टू वी एक्स वेलोसिटी ऑफ सोल्जर्स इन एक्स डायरेक्शन इज वेलोसिटी ऑफ रिवर 3 इंटू टाइम इज 500 बाई बी एम आर. सो वी एम आर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड. सो दे शुड स्विम विद मिनिमम विद दिस स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू द रिवर. ओके. एक बार और रिवाइज करा देता हूँ क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में गिवन है कि ये रिवर फ्लो है, इसका विड्थ है 500 मीटर. सोल्जर्स को रिवर के परपेंडिकुलर फ्लो करना है, तो परपेंडिकुलर अगर वो ऐसे जाएंगे तो रिवर की वेलोसिटी इधर है, तो कहीं ना कहीं वो इधर जाएंगे. देयर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी इन दिस डायरेक्शन. सो हमें परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकालना है. हमने मान लिया ये वी एम आर है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और रिवर की वेलोसिटी है 3 इन दिस डायरेक्शन. सो बीच में कहीं जाएंगे. हमें डिस्टेंस गिवन है कि कम से कम 300 मीटर, ज्यादा से ज्यादा 300 तक जा सकते हैं. सो सबसे पहले हम टाइम निकालेंगे. वी एम आर दिस इज द कंपोनेंट विच इज रेस्पॉन्सिबल टू क्रॉस द रिवर. सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो 500 अपॉन वी एम आर, ये टाइम आ गया. अब इतने टाइम में 300 मीटर चलना है मैक्सिमम. सो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. सो 300 इंटू अलोंग दिस एक्सिस कंपोनेंट इज 3 इंटू टाइम 500 बाई वी एम आर. सो वी एम आर इज 5 मीटर पर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 35. ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मींस यू इक्वल टू 0 स्टार्ट टू मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 4 सेकेंड. मींस वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 4 सेकेंड. सो फॉर्मूला इज u plus a by 2 into 2n minus 1. So put n equal to 4. U is 0. A is 2 by 2 into 2 into 4 minus 1. 2 got cancelled. 2 into 4, 8 minus 1 is 7 meter. So displacement in 4 second will be 7 meter. Then last question of the paper. Question number 36. One is this block. This pulley is also moving. And this block is also moving. A. This is moving with 3 meter per second. This pulley is moving with 4 meter per second in this direction. So, हमें B block की velocity बतानी है. अब वैसे तो directly देख के बता सकते हैं कि every second ये 3 meter नीचे जा रहा है और पुली 4 मीटर इधर जा रही. मींस टोटल लेंथ इनको अगर इस तरह से चलना है तो 7 मीटर चाहिए एवरी सेकंड. सो इस हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए 7 मीटर पर सेकंड. और अगर इफेक्टिव लेंथ मेथड लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं. 1 2 3 4 नंबर दे दो इनको. 1 2 3 4
पहले तो डायरेक्ट एक बार और बता देता हूँ, ये ब्लॉक 3 मीटर एवरी सेकंड जा रहा है, तो 3 मीटर इसकी वजह से ब्लॉक इधर जाएगा, ये पुली 4 मीटर इधर जा रही है एवरी सेकंड, तो प्लस 4 मीटर इसकी वजह से ये भी इधर जाएगा, सो एक सेकंड में ये 3 चला ये 4 चला तो ये कितने चलेंगे 7 मीटर, सो आंसर आएगा 7 मीटर पर सेकंड। अब लगा लो इफेक्टिव लेंथ मेथड भी लगा सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस वी फोर इज इक्वल टू जीरो। सो वी वन हमें बताना है ब्लॉक की स्पीड, वी टू इस तरफ ये वाला, इस तरफ ये पुली इधर जा रही तो टू पॉइंट भी इस तरफ जा रहा होगा, लेंथ को इंक्रीज कर रहा है तो प्लस 4 लिखूंगा, v3 तो रेस्ट पर है क्योंकि इस तरफ जा ही नहीं रही हो, ठीक है, सो v3 इज 0 प्लस v4 ये नीचे जा रहा है, इस लेंथ को बढ़ा रहा है 3 से, सो v1 इक्वल टू आया -7, -7 मतलब ये लेंथ को कम कर रहा है, मतलब 7 से इधर जा रहा है, ओके, सो दिस इज अवर आंसर। सो पेपर 1 का डिस्कशन हमने देखा, टोटल 18 क्वेश्चंस थे, सो ऑल द बेस्ट अगेन फॉर द नेक्स्ट पेपर, बाय।